केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए यूरिया पर मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ा दिया है। केंद्रीय केमिकल और खाद्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि मौजूदा समय में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खाद की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है और सरकार को किसानों की मांग को पूरा करने के लिए बाहर से अलग अलग प्रकार के खाद को इंपोर्ट करना पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खाद की बढ़ती कीमतों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला किया है कि सरकार खाद की कीमतों को बढ़ाने के बजाय उन पर मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ाएगी ताकि किसानों की लागत में होने वाली बढ़ोतरी को रोका जा सके और उनके मुनाफे में बढ़ोतरी की जा सके। मनसुख मांडविया ने बताया कि यूरिया पर मिलने वाली सब्सिडी को 1500 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये प्रति बोरी कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने यूरिया के अलावा DAP पर दी जाने वाली सब्सिडी को 1200 से बढ़ाकर 1650 रुपये, NPK पर दी जाने वाली सब्सिडी को 900 रुपये से बढ़ाकर 1015 रुपये और SSP पर दी जाने वाली सब्सिडी को 315 रुपये से बढ़ाकर 375 रुपये कर दिया है। मनसुख मांडविया ने बताया है कि इस रबी सीजन में प्रधानमंत्री द्वारा किसानों को खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी के रूप में कुल 28,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। खरीफ फसलों की कटाई के बाद अब रबी फसलों की बुआई शुरू होने वाली है। इस बीच देश के कई राज्यों से खाद की किल्लत की खबरें आ रही हैं। वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी से खाद के आयात में कमी आई है, यही कारण है कि स्थिति काफी खराब हो रही है। एक खबर के मुताबिक भारत में आयातित DAP की कीमत इस बार 675 से $680 प्रति टन तक पहुंच गई है, जबकि पिछले साल इस वक्त DAP के भाव $370 प्रति टन थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।